आकाश देवता आपके घर के 130 डिग्री यानी E8 में विराजमान है। इनका प्रसाद लौंग है, यानी एक छोटे से बाटी में आप लौंग रख के इस डायरेक्शन में रख सकते हैं ताकि आकाश के जो बेनिफिट्स है वो आपको मिल पाए। जैसे कि आप नाम से जान लेते हैं कि जो धरती और स्वर्ग का जो गैप है ये आकाश पूरा करता है, और आकाश में ही आपको ऑक्सीजन मिलता है जिसके द्वारा आप जी पाते हैं। इसी कारण जो मैनिफेस्टेशन पावर्स है वो आपको यह देवता प्रोवाइड करता है। अगर आकाश देवता के एनर्जी फील्ड्स रुक जाए या स्टक हो जाए तो ये आपकी मनी को ब्लॉक कर देता है। अगर आपका मेन एंट्रेंस इस डायरेक्शन में बनाया गया है तो ये आपके जीवन में आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप कोई भी सामान इस डायरेक्शन में रखते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, यानी आपके जो अचीवमेंट्स है, आपके जो ट्रॉफीज है, आपके जो मेडल्स है, अगर आप इस डायरेक्शन में रखते हैं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं। और अगर ये जोन इम्बैलेंस है तो आपके घर में चोरी या थेफ्ट हो सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आप इस डायरेक्शन में श्री यंत्र रख सकते हैं या फिर एक रेड बल्ब ऑन कर सकते हैं ताकि यह जोन पॉजिटिव हो जाए। यह जोन इम्बैलेंस होने से आपके बॉडी रैशेस और अग्रेशन यानी गुस्से को बढ़ा देता है। तब आप कॉपर को इस डायरेक्शन में रख सकते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। यह जोन शुक्र यानी वीनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, इसी कारण अगर ये जोन नेगेटिव है तो घर के जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यानी हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, इरिटेशन या किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और अगर आपका यह जोन कट है तो घर का जो सबसे बड़ा बेटा है यानी जो एल्डर सन है वो आपके फैमिली से दूर हो जाता है यानी अलग हो जाता है, जिसके कारण फैमिलीज कभी कभी टूट जाते हैं। स्टोर रूम इस डायरेक्शन में बनाया गया है तो आपके जीवन में जितने भी खुशियां हैं यानी जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उन सबको ये स्टोर रूम ब्लॉक कर देता है। तो सबसे पहले हम टॉयलेट या किसी भी नेगेटिव एनर्जीज को ट्रीट करने के बाद आप ये देवता कार्ड 5 फीट के हाइट के वॉल पे आप चिपका सकते हैं और इसके नीचे आप उनका प्रसाद चढ़ाना है। इसके बैक साइड में कलर कोडिंग किया गया है जिसके द्वारा जो देवता एनर्जीज है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जो सेकेंड मेथड है वो डिव्स। डिव्स बेसिकली 3 पीसेस आते हैं जिसको आपको ग्राउंड में 3 होल्स ड्रिल करके आपको एक एक पीस इंसर्ट करना है, जिसके द्वारा जो भूमि के एनर्जीज है, जो आकाश देवता के एनर्जीज है वो बाहर निकलते हैं और आपसे जुड़ पाते हैं। यानी आप ये 2 मेथड्स यूज करके जो आकाश के बेनिफिट्स है आप उन एनर्जीज को यूटिलाइज कर पाते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000+ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्र, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200+ वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाक्वा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाक्वा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशन करने के बाद जो सारे रेमेडीज हैं वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वास्तुशास्त्र सीखना है यानी एक जो साइंस और टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम आपके घर के, ऑफिस के या फैक्ट्री के जोन्स को पॉजिटिव करते हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करते हैं और आपके जो भी विशेष हैं उनको पूरा करने के लिए जो जोन्स रेस्पॉन्सिबल है उन एनर्जीज को बढ़ाने के लिए जो रेमेडीज यूज होते हैं सारे हमारे क्लासेस में सिखाए जाते हैं। हमारे क्लासेस में आपको मोर देन 350+ रेमेडीज सिखाए जाते हैं, 50+ करेक्ट प्लेसमेंट्स हैं और जो 45 देवताज हैं उनका क्या कलर है, कौन सा एलिमेंट है, क्या प्रसाद है और उनका क्या बेनिफिट्स है, ये सब हमारे क्लास में डिटेल में सिखाए जाते हैं। अगर आपको इस क्लास के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है। क्लास में एनरोल होने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।